आज हमारे पास है एक भयंकर चीज, फोग, फायरबोल्ट की फोग। भाई पैकेट की साइज देखो एक बार, इतना लंबा पैकेट मैं पहले बार देख रहा हूँ। भाई पुराने हॉस्टल का याद आ गया मेरे को, ऐसे बलाते थे। शरीफ था मैं, बहुत शरीफ। ये है फायरबोल्ट का नया फोग, मेटल एडिशन वाला मैंने मंगवाया है, लग्जरी स्मार्ट वॉच। एंड इसमें भाई 52 mm यानी 2.05 इंच का पेजल लेस डिस्प्ले मिलता है। एंड ये सच में है भाई, मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, मेरे से रहा नहीं गया। डिस्प्ले देख सकते हो भाई, इतना पतला बेजल चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई साइड में रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन भी मिलता है, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो। एंड अगर एजेस भी देखोगे ना साइड का, तो थोड़ा सा कर्व है एंड देखने में काफी खूबसूरत लगता है। भाई कोई भी ऑकेशन में इसे पहन के जाओ तो भाई लोग आप ही की तरफ देखेगा। एनीवे मेटल बॉडी है एंड मेटल वाले चेन के साथ और भी खूबसूरत लगता है। बस एक ही दिक्कत है, ये वाला मेटल चेन को एडजस्ट करने वाले कोई टूल्स नहीं प्रोवाइड किया गया है, सो बाहर जाना पड़ेगा व्हाट्सएप में इसको एडजस्ट करने के लिए। बट भाई काफी शानदार लगता है। हाँ थोड़ा सा सल्लू भाई का ब्रेसलेट जैसा लग रहा है, बट कूल है भाई। एंड और एक चीज, रिस्ट टू एक फंक्शन ना दोनों तरफ ही काम करता है, यानी आप हाथ को रेज करोगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगा डिस्प्ले, एंड जब इसे आप वापस पीछे करोगे तो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ भी हो जाएगा। बिल्ड के बारे में भी मैं बताए तो आपको, साइड का जो पैनल है मेटल की बने हैं एंड यहाँ पर आपको दो बटन देखने के लिए मिल जाता है। एक तो है फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन, जिसे आप रोटेट कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। एंड ये एक्सेंट बटन है, इसका आप प्रेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक माइक्रोफोन का होल मिल जाता है। बिकॉज दिस इज अ ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, तो आपको यहाँ पर स्पीकर के भी होल मिलेगा। एंड इसके नीचे भाई सेंसर के मॉड्यूल दिया गया है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कुछ सारे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन एंड एक वायरलेस चार्जिंग केबल दिया जाता है। वन साइड है USB, दूसरी साइड ऐसे मैग्नेटिक डॉक जैसा मिलता है, जिसे आप किसी भी पावर बैंक या फिर मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। इस वाले स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा AB एक्टिव ऐप का, जिसे आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। एंड भाई फीचर्स पूरा भर भर के दिया गया है, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई अभी तक हम स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते थे। बहुत ही कम ऐसे स्मार्ट वॉच है जिसमें हम ECG एंड टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। एंड इसमें भाई टेम्परेचर एंड ECG भी मेजर कर सकते हैं हम। इवन GPS NFC का भी ऑप्शन दिया गया है। गेम्स है इसमें, बट गेम्स वॉच में नहीं है भाई, उसको ऐप में दिया गया है। एंड ऐप में ढेर सारा गेम्स है, आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो उसे चूज करो, इंस्टॉल करो अपने वॉच में, एंड उसके बाद आप खेल सकते हो। काफी सारा गेम का ऑप्शन मिल जाता है इसी तरीके से। काफी सारे स्पोर्ट्स मोड है, ओवर 100+, जिसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैंने एक एक्टिविटी किया आउटडोर वॉकिंग, जिसका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अगर स्टेप काउंट वगैरह देखे तो ऑलमोस्ट 70-80% के एक्यूरेसी से काउंट करता है, हालांकि डिस्टेंस काफी एक्यूरेटली काउंट किया है। एंड भाई एक्टिविटी के टाइम इतना सारा डेटा कलेक्ट करता है, आप देख सकते हो कितना पेस था, कितना कैलोरीज हमने बर्न किया और भी कुछ सारे इन्फॉर्मेशन। एंड वॉच फेस भी काफी इनोवेटिव है भाई, नॉर्मली स्मार्ट वॉच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिखता है, बट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें आप जा भी सकते हो। जैसे एक्टिविटीज चेक करना है तो यहाँ पर टच करके कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल यहाँ से टच करके आ सकते हो। एंड सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर जितने भी वॉच फेस है सारे में आप एक्सेस कर सकते हो वॉच फेस से ही। हार्ट रेट, SpO2 का एक्यूरेसी इसे सही से चेक होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लूज हो रहा है। बट हमारे पास है काफी सारे स्मार्ट वॉच बैंड जो एडजस्टेबल है एंड रिस्ट में टाइटली फिट हो जाएगा। चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप दिया गया है। इसको खोलने के लिए आपको एक सीम इजेक्टर टूल का जरूरत पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे टू ओपन इट। एंड ऐसे आप इसे रिमूव कर सकते हो। ओ भाई ये तो यहाँ से भी खुल जाता है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसे प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हो। एंड यहाँ पर 45 mm का जो एप्पल वॉच बैंड होता है वो सेट हो जाएगा, बट स्टिल आप 22 mm बैंड भी लगा सकते हो इसके साथ। सो भाई हमारा बैंड जो है लग चुका है, आई डोंट नो सही तरीके से हमने लगाया है कि नहीं। हाँ भाई लगता तो है, सही लगाया है हमने। एनीवे देख सकते हो टाइटली फिट हो गया है। अभी मैं ठीक ठाक से हार्ट रेट एंड SpO2 का डेटा मेजर कर सकता हूँ। हार्ट रेट देख सकते हो इन माय स्मार्ट वॉच 82 BPM हो रहा है, मेरा ऑक्सीमीटर में हो रहा है 96-98, सो डिफरेंस काफी ज्यादा है। मैं हाथ के डिफरेंट एरिया में भी ट्राई किया एंड तो रिजल्ट सर सेम, यहाँ पर 68 BPM हो रहा है, कहाँ यहाँ पर हो रहा है 96 BPM। चलो SpO2 देख लेते हैं। एंड SpO2 मेजर करते टाइम भी भाई ग्रीन कलर की LED जलता है, जहाँ की बाकी सारे स्मार्ट वॉच में रेड कलर की LED दिया जाता है, यहाँ पर हो रहा है 95, 96, 97, 98 भाई सारे डेटा यहाँ पर दिख रहा है मेरा ऑक्सीमीटर में 97%। सो डेफिनेटली इट्स नॉट एक्यूरेट एंड नॉट इवन क्लोज। इसके अलावा ECG एंड ब्लड प्रेशर भी भाई चेक कर सकते हो, एंड आई डोंट नो ये कितना टेरेबल होगा। यहाँ पर भी
सेम है भाई हार्ट रेट, यहाँ पर भी देख सकते हो 69-70 के आसपास दिखा रहा है, जहाँ पर हो रहा है मेरा 89 BPM। यहाँ पर देख सकते हो ECG रिपोर्ट दिया है भाई, थोड़ा सा कुछ दिया है ग्राफ टाइप का। ब्लड प्रेशर और मैं मेजर कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वो एक्यूरेट होगा नहीं, बट आप कर सकते हो, मतलब करना। एनीवे नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर थर्मोमीटर भी मैंने देखा था कहीं पर, हाँ यहाँ पर है थर्मोमीटर। मैं एक बार टेम्परेचर भी देख लेता हूँ। सुबह टेम्परेचर दिया है यहाँ पर 37 डिग्री। आई डोंट नो ये भी कितना एक्यूरेट है, बट एक चीज है भाई, किसी भी सरफेस पे मेजर नहीं करता, आपको एक एरर मैसेज देगा। और एक चीज है यहाँ पर GPS मूवमेंट बोल के, इसमें घड़ी का कोई काम नहीं है, GPS यहाँ पर ट्रैक भी नहीं होता है, ये जस्ट आपका फोन का लोकेशन को यूज करके कुछ डेटा दिखाता है। जब इसे आप टर्न ऑन करोगे तो आपका फोन में ऑन होगा, मतलब आप अगर वॉकिंग या फिर रनिंग में तो आपको फोन भी साथ में लेके जाना होगा, अदरवाइज ये GPS ट्रैकिंग जो है कर नहीं पाएगा। आपका लोकेशन कहाँ है ना, आप किस किस जगह गए हो, इस मैप में आपको दिख जाएगा। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर भाई कंट्रोल सेंटर मिलता है, कंट्रोल सेंटर में भी काफी सारी चीजें दिया गया है। एंड यहाँ पर मेरे को एक SOS का भी बटन मिला भाई। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, NFC को भी आप यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हो। NFC एक्चुअली अगर आपके पास NFC एनेबल्ड ऐसे डोर लॉक वगैरह है तो उसे आप ऐसे वॉच के मदद से एक्सेस कर सकते हो। NFC एक छोटा सा टैग जैसा है, प्रोग्रामेबल टैग, इसे आप अपने फोन से प्रोग्राम कर सकते हो, बट प्रोग्राम करने के लिए भाई आपको NFC एनेबल्ड फोन भी चाहिए होगा। ऐसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर सारे मैसेजेस वगैरह दिखता है, आप व्हाट्सएप फेसबुक का भी मैसेजेस यहाँ पर देख सकते हो। एंड लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन आता है, रिसेंटली एक्सेस मेनू जो है यहाँ पर दिखता है, ऊपर डेट टाइम वगैरह वेदर वगैरह दिख जाता है। एंड वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी भाई यहाँ से आप स्लीप वगैरह भी काउंट कर सकते हो। एनीवे मेन मेनू मैं एक बार क्विकली स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, बहुत सारा चीज़ें है, सारा तो यहाँ पर कवर करना मुश्किल है। लास्ट में आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पर मेनू व्यूज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, बट भाई यहाँ से आपको सिर्फ इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। डीमिंग यानी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, स्क्रीन टाइम को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक ऑलवेज ब्राइट का भी ऑप्शन है, डिस्प्ले का HDTFT है, सो भाई बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होने वाला है क्योंकि ये AMOLED स्क्रीन है ही नहीं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखा, आप रिंगटोन भी सेट कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर कॉल, आप नोटिफिकेशन अलार्म के लिए भी रिंगटोन सेट कर सकते हो, 2-3 रिंगटोन मिल जाता है यहाँ पर। बाकी पिन लॉक यानी स्क्रीन लॉक को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी और भी कुछ सारे ऑप्शन है यहाँ पर इसके अंदर। और एक चीज मैंने देखा, की डिटेक्शन यानी ये जो एक्सेंट बटन है इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, कौन सा काम के लिए इसको कस्टमाइज करना है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर माई कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने सोशल मीडिया का QR बना के यहाँ पर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टाग्राम का किया है, जो कि आप ऐप के मदद से कर सकते हो, तो जब भी मैं ये वाले QR को स्कैन करूंगा ना तभी मैं अपने इंस्टाग्राम पे लैंड हो सकता हूँ। सो ऐसे आप अपना सोशल मीडिया का भी कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर सारे का बना सकते हो। यहाँ पर एक रिसिप्ट कोड बोल का ऑप्शन है, PayPal का QR ऐड करके रख सकते हो भाई, UPI दे देता तो भी होता। PayPal का QR अगर यहाँ पर ऐड करके रखोगे तो किसी को भी आप इस वाले QR से स्कैन करा के आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पर है कैलकुलेटर, सो यहाँ पर वेदर भी दिखाता है, प्रेजेंट वेदर देख सकते हो एंड नेक्स्ट 7 डेज का वेदर देख सकते हो। कॉलिंग वॉलिंग के लिए भाई बढ़िया डायल पैड दिया गया है, यहाँ पर आप किसी को भी डायल करके कॉल कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग है, जो कॉल जाता है वो फोन से ही जाता है। साउंड देख सकते हो भाई काफी लाउड एंड क्लियर है, एंड सिर्फ आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो इसे। इसके अलावा फोन वाले ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पर और कुछ सारे ऑप्शन मिलेगा, लाइक कॉन्टैक्ट भी सेव करके रख सकते हो एंड डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, किसको किसको कॉल किया विद द टाइम दिखाता है। एंड भाई यहाँ पर SOS कॉन्टैक्ट भी है, SOS कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हो एंड यहाँ से भी आप उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इनकमिंग कॉलिंग का टाइम आपको ऐसे रिंग मिलेंगे, आप एक्सेप्ट कर सकते हो रिजेक्ट कर सकते हो, एंड नहीं भाई साइलेंट नहीं होता है। सो कॉलिंग के टाइम मैं आपको माइक्रोफोन का क्वालिटी सुना देता हूँ, तो अभी जो आपको साउंड आ रहा है डायरेक्ट मेरे स्मार्ट वॉच से आ रहा है, तो देख सकते हो कुछ कॉलिंग के टाइम इस तरीके का साउंड मिलने वाला है। एंड मैं अगर इतना पास रख के बात करूँ तो कुछ इस तरीके का साउंड आएगा, तो म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से प्ले पॉज हो जाता है, प्रीवियस ट्रैक नेक्स्ट ट्रैक भी यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। वॉल्यूम कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, एंड जो साउंड आता है वो स्मार्ट वॉच से आता है, काफी लाउड एंड क्लियर साउंड है। वॉच फेस भी भाई काफी सारे दिया गया है, काफी सारे लाइव वॉच फेस है, एंड वॉच फेस देख के आप पता कर सकते हो है तो भाई ये चाइनीज है, इसे जैसे तैसे इंडियन बताने की कोशिश किया गया है। एनीवे इसके अलावा आप कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो, कस्टमाइजेशन का काफी सारे ऑप्शन है। इसके अलावा भाई ऑल्टीट्यूड एंड प्रेशर वगैरह भी दिखाता है।
भाई बात करो। बैटरी बैकअप ठीक ठाक ही मिल जाता है, कॉलिंग के साथ 2 दिन तक चलेगा, विदाउट कॉलिंग 6 से 7 दिन चल जाएगा आराम से। बट एक चीज मैं बता सकता हूँ भाई, ये मेड इन इंडिया है नहीं, पैकेट के ऊपर जो लिखा रहता है ना मेड इन इंडिया, भाई इसमें कोई भी चीज मेड इन इंडिया है नहीं। कोई भी इस वाले वॉच को देख के ही पता कर देगा भाई इसका जो फर्मवेयर है एंड जो फीचर्स वगैरह दिए गए ये बहुत ही घटिया, बहुत ही सस्ता चाइनीज वॉच में ही मिलता है। उसी चाइनीज वॉच को उठा के लाके यहाँ पर इंडिया मेड इन इंडिया टैग लगा के बेच रहा है, सो ये बहुत ही गलत है। बाकी मेरे को बहुत ही एवरेज लगा भाई, एक्यूरेसी के मामले में 0 है, बाकी जितने भी सस्ते फीचर्स दिए गए हैं ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एनीवे फिर भी अगर आप लुक्स के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बिल्ड क्वालिटी भाई काफी अच्छा है एंड आईपी रेटिंग भी है 68 का, सो पानी वानी में भीग जाए या फिर पानी में गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिटरली इसे पहन के स्विमिंग कर सकते हो, बट करना मत, ये ज्यादा गहराई तक वाटर प्रेशर झेल नहीं पाएगा, सो वाटर डैमेज हो सकता है। एंड इनकेस स्पीकर एरिया में भी पानी आ जाए तो भी आप इसे ड्रेन कर सकते हो। एंड भाई काफी सस्ते में लॉन्च हुआ था, 1999 रुपीज। अगर आप मेटल वाले स्ट्रैप ले रहे हो तो 2300 रुपीज में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट, इतना ही था इस वाले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।